हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। मैं संदीप कुमार सोनी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज है कमेंट बॉक्स का वीडियो, जिस वीडियो का आप लोगों का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है, क्योंकि इसमें मैं रिप्लाई करता हूं सभी लोगों का कमेंट का, जिसका मैं डायरेक्ट रिप्लाई नहीं दे पाता हूं, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसको कमेंट में लिख के रिप्लाई नहीं किया जा सकता, ठीक है, उसके लिए एक्सप्लेनेशन की नीड होती है। तो उन सारे क्वेश्चंस को मैं यहाँ सेलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, चूज करता हूँ, ताकि आप लोगों को रिप्लाई मिल सके और वो सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई हो। बिकॉज दैट रीजन ओनली आई एम मेक दिस कमेंट बॉक्स वीडियो। ओके, चलो बिना डिले किए हुए कमेंट बॉक्स का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट कमेंट लेते हैं जिनका टाइटल बहुत ही अच्छा मुझे पढ़ के लगा, आपको भी दिखाता हूँ, आपको यहाँ दिख भी जाएगा, ठीक है। पट से हेडसेट गेमिंग, इनका चैनल का नाम है पट से हेडसेट गेमिंग, बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव नेम है। इन्होंने लिखा है, सर आई एम स्टूडेंट ऑफ बी फार्मेसी, सर टेल मी बेस्ट जॉब आफ्टर माई फार्मेसी प्लीज सर। तो डियर, आपका जो भी रियल नाम है आई डोंट नो, तो बेस्ट जॉब यही है कि आपका क्या चॉइस है। ये जॉब आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, आपके स्किल सेट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर को घूमना टहलना, लोगों से बात करना, ठीक है, आपकी हैबिट है, तो लोगों से इंटरेक्ट होना, जल्दी से रिलेशन बना लेना किसी के साथ में, इस तरह अगर आपके अंदर हैबिट है, आपको अच्छा लगता है, मीन्स लोगों से इंटरेक्ट होना अच्छा लगता है, तो आपके लिए बेस्ट जॉब रहेगा, आप मार्केटिंग सेक्टर में इंटर कर जाओ। बट आपको पर्सनल रहना, ठीक है, टाइमली, बहुत हर चीज़ टाइम पे बिल्कुल पसंद है, तो उस कंडीशन में फिर आपके लिए बेटर होगा कि आप प्रोडक्शन के जॉब ज्वाइन कर सको। अगर आपके अंदर टेक्निकल स्किल है सपोज दैट, तो आप ये जो इंटरनेट का काम है इसमें जा सकते हो। आपका सिर्फ बिजनेस माइंडेड है आप, ठीक, आपका बिजनेस करने का मन करता है, और फैमिली से अगर आपको सपोर्ट मिल पाता है, आपको कोई ऐसा बर्डन नहीं है आपके ऊपर, फिर आपको मेडिकल स्टोर ओपन करना चाहिए, होलसेल का बिजनेस करना चाहिए, या मेडिसिन का कुछ बिजनेस करना चाहिए, तो डियर ये आपके टोटली आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा बिजनेस चूज करोगे या कौन सा जॉब चूज करोगे। जैसे भी आपका इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप चूज करो, जैसे भी आपकी पर्सनालिटी है। अगर देखो, मैं आपसे बहुत ज़्यादा बात करता हूँ, बहुत ज़्यादा मीन्स वीडियो भी बनाता हूँ, लाइव सेशन भी करता हूँ, कोर्स भी करता हूँ, मतलब मेरा लोगों से बात करना, लोगों की हेल्प करना, लोगों से इंटरेक्ट होना अच्छा लगता है, इसलिए मैं मार्केटिंग में हूँ, ठीक है। अदरवाइज जो लोग, जिनको ये हैबिट पसंद नहीं है, जिनको ज़्यादा बात करना अच्छा नहीं लगता, वो लोग मैन्युफैक्चरिंग में है, ठीक है। चलिए दूसरा कमेंट लेते हैं, जितेश बुद्धिराजा का कमेंट है, सोनी जी गुड मॉर्निंग, प्लीज़ गाइड फॉर हाउ वी वर्क एज ए CFA और CNDAP एंड व्हाट आर द फॉर्मेलिटीज टू बिकम ए CFA एंड आवर फ्रेंचाइजी बिजनेस। आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है डियर जितेश। मैं किसी के कॉन्टैक्ट नंबर में मैं खुद कॉल नहीं करता हूँ, दो आपके पास ऑप्शन है। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल एंड डीप इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, वो नंबर आपको कम्युनिटी पोस्ट में मेरे मिल जाएगा, या फिर जो कोर्स का वीडियो मैंने लॉन्च किया हुआ है उसमें मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। कोर्स के वीडियो को आप देखेंगे तो वहाँ पर आप मुझसे, अगर पेड कंसल्टेशन में, अगर आपको पेड कंसल्टेशन चाहिए, 1-to-1 मुझसे बात करना चाहते हैं, देन आप मुझे उस नंबर पे बात करिए, फिर मैं वहाँ पे बताऊँगा कैसे क्या प्रोसीजर होगा। फर्स्ट, सेकंड थिंग, अगर आपको जो आपने लिखा है कि मुझे CFA कैसे रन करना चाहिए, CFA का क्या सिस्टम होता है, तो इसका सिंपल सिस्टम बहुत ही सिंपल है। आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको DI ऑफिस से DL नंबर लेना पड़ेगा, ड्रग लाइसेंस नंबर, GST लेना पड़ेगा, और एक फॉर्म का नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, जिससे आप GST लेंगे, जो भी आपका CA होगा, लॉयर होगा, जिसके थ्रू भी आप GST बनवाएंगे, उससे पूछेंगे आपके जो ये इंटर स्टेट गुड्स ट्रांसफर होता है, क्योंकि पहले फॉर्म 16 आया करता था, उसके थ्रू ये सब काम होता था, बाद में फॉर्म CM निकाल के कंपनीज को दे दिया करते थे, ठीक है। ये GST के पहले के टाइम का था, बट अभी उसमें चेंज हुआ है, एक नया फॉर्म आया है, उस फॉर्म का मुझे नंबर एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, अदरवाइज मैं आपको वो भी मेंशन कर देता। आप उसमें लॉयर से पूछेंगे कि वो फॉर्म का क्या नंबर है, जब बाहर से गुड्स ले आके स्टेट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो आपको मिल जाएगा। अब ये तीन रिक्वायरमेंट पूरा करिए, DI, एक फूड लाइसेंस भी आपको लेना पड़ेगा, अगर फूड सप्लीमेंट टाइप का आइटम हो तो जनरली ले लीजिए, थोड़ा सा खर्चा आता है 4-5 हज़ार रुपये का, तो आपको बाद में नहीं लेना पड़ेगा। आप एक DL नंबर ले लीजिए, ड्रग लाइसेंस नंबर, GST ले लीजिए, और जो मैंने आपको फॉर्म का सिस्टम बताया, ये पहले आपको टैक्सेशन, जो टैक्स ऑफिस होगा, सेल टैक्स, वहाँ पर जाके इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, मैं ये काम कर रहा हूँ, परमिशन वहाँ से लेनी पड़ती है, वो परमिशन आप ले लीजिए बाद में, तो क्योंकि बाद में जिसके साथ भी आप ये फ्रेंचाइजी का बिजनेस जिस भी कंपनी के साथ स्टार्ट करेंगे, ये फॉर्म आपको क्वार्टरली बेसिस पे
वहाँ भेजना हो पड़ेगा, मीन्स आपका जो बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है उसका रिकॉर्ड होता है एक प्रकार से ऑनलाइन, जो कि आपको भेजना पड़ता है, ठीक है। तो आप ये सब चीज़ें कर सकते, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और डीपर स्टेप वाइज नॉलेज चाहिए आपको तो आप पेड कंसल्टेशन ले सकते हैं। और कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे आप इंस्टाग्राम में फ्री पे चैट कर सकते हैं, मेरा आईडी है फार्मा जॉबर्स, ठीक है। जो ईमेल आईडी sandeep.7255@gmail.com, आप मुझे इस पर ईमेल कर सकते हैं अपनी क्वायरी, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। सेकंड इंस्टाग्राम पे मुझे ऐसा लाइव चैट कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आप मुझसे जो भी पूछना है फ्री ऑफ कॉस्ट पूछ सकते हैं, वहाँ पे मैं रिप्लाई कर दूंगा। पेड कंसल्टेशन फ़ोन कॉल के लिए आपको फिर कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट कमेंट है सत्यजीत कुमार का, डियर सर प्लीज़ हाउ टू कन्वर्ट द डॉक्टर एंड जनरेट द प्रिस्क्रिप्शन फॉर द प्रोडक्ट। जो तो सत्यजीत आपने जो कमेंट किया, किसी डॉक्टर को कन्वर्ट करने के लिए कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं, उसमें पहला जो स्टेप है वो है RCPA। अगर आप RCPA प्रॉपर RCPA करते हैं तो डॉक्टर के प्रिस्क्राइबिंग हैबिट के बारे में पता चलता है, मीन्स डॉक्टर किसी और कंपनी के साथ इंगेज तो नहीं है, या डॉक्टर किसी और कंपटीटर ब्रांड का लिख रहा है तो वो क्यों लिख रहा है, क्या रीज़न है, और कितना क्वांटिटी लिख रहा है, कौन सा ब्रांड आपको फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट प्रोडक्ट फॉर राइट कस्टमर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। सेकंड, अगर डॉक्टर को आपको कन्वर्ट करना है तो अपने प्रोडक्ट नॉलेज को इंक्रीज करना पड़ेगा, जिससे आप नेटवर्क चैम्बर में प्रोडक्ट के बारे में बता पाओ, ठीक है। थर्ड चीज ये है कि फिर आपको रिमाइंडर कार्ड, कुछ इनपुट वगैरह, या फिर उसके साथ कैंपेनिंग कर सकते हो, जिस तरीके से आप प्रोडक्ट होता है प्रोडक्ट बेस्ड कैंपेन उसके ऊपर रन कर सकते हो, जिससे आप डॉक्टर के साथ रिलेशन बिल्ड करके प्रिस्क्रिप्शन को जनरेट कर पाओगे। कैजुअल टॉक भी कर सकते हो, कैजुअल टाइम पे जाके भी मिल सकते हो, बर्थडे बेसिस है, इस टाइप के छोटे छोटे जो कैंपेन्स हैं आप उसको रन करके प्रिस्क्रिप्शन जनरेट कर सकती हैं, ओके। करण का नेक्स्ट कमेंट लेते हैं, आई एम स्टक एंड आई वांट टू जनरेट इनकम, इज देयर एनी चांस टू ग्रो इन कंपनी आफ्टर स्टार्टिंग जॉब। डेफिनेटली डियर, आप कंपनी के अंदर कोई ज्वाइन, किसी भी कंपनी के अंदर ज्वाइन करते हैं, अगर आपके अंदर वो स्किल सेट है, ठीक है, तो डेफिनेटली करण आप ज्वाइन ग्रो कर पाओगे, ग्रोथ की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपके अंदर वो स्किल सेट है तो ग्रो कर पाओगे, नहीं है तो स्किल सेट को डेवलप किया जा सकता है, ठीक है, ओन किया जा सकता है, आपको वो करना पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट कमेंट लेते हैं, यह है अमित सिंह का कमेंट, सर सैलरी नहीं मिली है, एज एन एरिया सेल्स मैनेजर लास्ट 3 मंथ से, ऐसा क्यों, जॉब से रिजाइन करने के लिए बोल रहे हैं। देखिए, कोविड की वजह से कुछ कंपनीज का, खासतौर पर जो छोटी कंपनीज था फ्रेंड, उनका बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही। बड़ी कंपनियों में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबसे अच्छी बात यह है, लेकिन यह कोविड टाइम में उन्होंने काम बहुत ज़्यादा करवाया है, वर्क फ्रॉम होम के नाम पर बहुत ज़्यादा लैपटॉप वर्क करवाया है, बट टाइम पर सैलरी दिया है। तो आप किसी छोटी कंपनी में, आपके पास बेस्ट ऑप्शन अमित सिंह यही है कि जितनी जल्दी हो सके आप दूसरी कंपनी देख लीजिए, दूसरी कंपनी में ट्राई करिए, इसमें बहुत सारी कंपनीज में वैकेंसी आ रही है, ठीक है। अगर आप मार्केट में पता करेंगे तो आपको वैकेंसी मिल जाएगी, अभी उस कंपनी के साथ तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उसके पास फंड है नहीं, अब बिकॉज आप लो फंड, वो आपके साथ ऐसा कंपनी ने किया, आपके साथ नहीं, आपके जो भी इंप्लॉय अदर लोग होंगे सभी के साथ ऐसा हुआ होगा, ठीक है। और आगे से आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जब भी आप आगे से वर्क करेंगे किसी भी कंपनी के साथ, अपना एक कोई साइड बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए, उसको डेवलप कर लीजिए, कुछ और इनकम का सोर्स बना के अपने पास रखिए, ताकि आगे से ये कभी प्रॉब्लम आए इस टाइप की तो आप उसको फेस कर सको, ओके। चलिए नेक्स्ट कमेंट लेते हैं, ये दीनू जगुड़ी का कमेंट है, फार्मासिस्ट की गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं आती है सर। डियर, फार्मासिस्ट की क्यों नहीं आती है ये तो गवर्नमेंट ही बता सकती है कि गवर्नमेंट क्यों फार्मासिस्ट नहीं निकालती है। अगर मेरे ओपिनियन की आप बात करोगे तो उसमें एक्चुअली क्या है, पॉलिटिक्स का बड़ा गेम होता है, कोई ऐसा स्ट्रांग पर्सन नहीं है फार्मेसी में या फार्मासिस्ट जो हमारा कैडर है कि उसको रिप्रेजेंट कर पाए गवर्नमेंट के पास, जो फोर्स कर पाए कि नहीं फार्मासिस्ट की नीड है, उनकी भर्ती करनी चाहिए, इनके लिए जॉब वैकेंसी निकालनी चाहिए, इस तरह कोई रिप्रेजेंट करने वाला रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि फार्मासिस्ट क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा कोई ये रेड या स्ट्राइक इस टाइप की कोई एक्टिविटी करते नहीं है, सब लोग अपने अपने काम में बिजी रहते हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है वैकेंसी आए या वैकेंसी ना आए, ठीक है। अभी आप जो बात कर रहे हो बल्क फार्मासिस्ट वैकेंसी की बात करो, थोड़े थोड़े वैकेंसी हमेशा निकलती रहती है, आप फ्रेशर्स वर्ल्ड है, गवर्नमेंट की जो ये क्या बोलते हैं sarkarijob.com है, sarkaririzult.com है, वहाँ पे जाके देखोगे तो वैकेंसी हमेशा आती रहती है कहीं ना कहीं, बट बल्क वैकेंसी बहुत टाइम से गवर्नमेंट ने नहीं निकाला, रिक्वायरमेंट है बट गवर्नमेंट नहीं निकाला ही, आई डोंट नो, यही सब जो रीजन है मैंने आपको बताया, यही सब हो सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट लेते हैं संदीप बंसल जी का, इनका नेक्स्ट कमेंट है, सर थैंक यू सो मच फॉर योर वीडियो, आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई होलसेल बिजनेस ऑफ मेडिसिन,
एंड आई हैव डन एम फार्मेसी, प्लीज टेल मी अबाउट द स्टॉकशिप इन्वेस्टमेंट टू द कंपनी एंड वाट अदर प्रोसीजर्स टू टेक अथोराइजेशन फ्रॉम द रिप्यूटेड कंपनीज। तो संदीप जी आपका कमेंट, दो कमेंट है, बजट पहले आपने पूछा है। देखिए होलसेल का बिजनेस क्या होता है, एक बड़ा बिजनेस है, ठीक है, इसमें इन्वेस्टमेंट हायर साइड में चाहिए होता है। अगर आपके पास मिनिमम, मैं बता रहा हूँ, मिनिमम कम से कम 5 लाख तक का बजट है, मीन्स 5 लाख, ये लाइसेंस बनाने के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, लाइसेंस बनाने में भी आपका जो खर्चा आएगा, लाइसेंस बनाने में और आपका फर्नीचर में समथिंग अराउंड 1 लाख रुपीज़ का खर्चा आएगा। उसके बाद 5 लाख रुपीज़ आप ये समझो वो लिक्विड फंड आपको रखना पड़ेगा लिक्विडिटी के लिए, जिसको आप इमीडिएटली जो है उसमें डाल सकते हो। इसके बाद इस तीन के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो, 2-2.5 लाख का आपको लिक्विड फंड अपने पास रखना भी पड़ेगा, जिससे क्या होगा जब भी नीड होगी तो एटलीस्ट उसको रिजर्व मनी के तौर पर रखना पड़ेगा जब भी नीड आएगी, क्योंकि मार्केट में नीड बढ़ती जाएगी तो आपको फंड डालना पड़ेगा। तो आप मान के चलो आप 5 लाख रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हो और 1.5-2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए आप रिजर्व में आपको रखना पड़ेगा, ओके, जरूरत पड़ने में, ताकि आप डाल सको, क्योंकि जैसे जैसे आपका बिजनेस इंक्रीज होगा आपको फंड ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में जाके पैसा फंस जाता है। दूसरा है कि रिप्यूटेड कंपनी से कैसे आप अथोराइजशिप लेंगे, इसका देखिए सभी अथोराइज जितनी भी अच्छी कंपनीज है उनका ऑथराइजेशन ऑलरेडी ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट डीलर हर एक सिटी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो अपने स्टॉकिस्ट के नंबर को और इंक्रीज नहीं करना चाहती हैं जो भी अच्छी कंपनीज है, इसीलिए अच्छी कंपनीज का स्टॉकिस्टशिप इतनी जल्दी किसी को नहीं मिलता है। बहुत सारे लोग मेरे पास कमेंट करके बताते हैं और रियल फैक्ट मैं बताऊं, बड़ी कंपनी का इतनी जल्दी आपको स्टॉकिस्टशिप नहीं मिलेगा, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि आप सेमी में लेकर काम करिए, मीन 2% आप देके जो भी उसका ऑथराइज डीलर है वहां से या फिर ट्रेडिंग में गुड्स लेके आप काम करते रहिए, अच्छे से एमआर के साथ थोड़ा रिलेशन बनाइए। रिलेशन बनने के बाद क्या होगा, आपको स्लोली कुछ टाइम के बाद कुछ कंपनीज मिलनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है, धीरे धीरे करके, यह प्रोसेस है, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल लग सकता है टाइम, बट ये स्लो प्रोसेस है, इतनी जल्दी इमीडिएट चीज नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट कमेंट लेते हैं मिस्टर एमडी सोएब खान का, सर इन करेंट सिचुएशन द प्रेशर ऑफ कंपनीज इज टू हाई, प्लीज टेल अस हाउ टू हैंडल प्रेशर इन दिस सिचुएशन एज ए एमआर। सोएब, नो डाउट इस समय कंपनीज का प्रेशर बहुत ज़्यादा है सेल के लिए, क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं वो कॉल नहीं ले रहे हैं और सेल का प्रेशर कंटिन्यूसली, क्योंकि कंपनी ने 3 मंथ कंटिन्यूसली फ्री ऑफ कॉस्ट सैलरी पे किया सभी को, ठीक है, तो आप भी किसी को फ्री में अगर सैलरी दे रहे होंगे तो डेफिनेट सी बात है आप उसके ऊपर प्रेशर बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो डॉक्टर विजिट, मतलब जिन डॉक्टर की कॉल हो रही है उनको तो आप जाके कॉल करिए, कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कॉल नहीं ले रहे हैं एक्चुअली, बट वो ओपीडी कर रहे हैं, मींस प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी लगभग जुलाई के आसपास तो सब कुछ ओपन हो जाएगा। अगर मैं अपने एरिया की बात करूं, इलाहाबाद की मैं बात करूं, तो ऑलमोस्ट सब कुछ लगभग ओपन हो गया है, बस डॉक्टर्स का कुछ एक डॉक्टर रह गया है जो कि ओपीडी नहीं कर रहे हैं, बाकी ऑलमोस्ट ने ओपीडी स्टार्ट कर दिया, हॉस्पिटल स्टार्ट कर दिया है, बट वही कॉल नहीं ले रहे हैं, तो उसका सिर्फ से सिर्फ यही अच्छा तरीका है कि डॉक्टर से बैठने से पहले आप जाके रिमाइंडर प्लेस कर दो, टेलीफोनिक अगर बात कर सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर लेके उनको व्हाट्सएप पे कुछ दे सकते हो मटेरियल, ठीक है, लीफलेट है, एलबीएल है, रिमाइंडर कार्ड है, कभी कभी उस पर भेज सकती है, अदरवाइज आप डेली बेसिस पे उनके चैम्बर में बैठने से पहले जाके प्लेस कर सकते हैं या अटेंडेंट के थ्रू आप जो है रिमाइंडर कार्ड भिजवा सकते हैं, दिस इज द बेस्ट वे। और इस टाइम पर मार्केट के अंदर कंपटीशन की कोई कम है तो आपको काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो, ओके। तपस स्वयं का कमेंट है, सर हाउ मेनी मनी रिक्वायर्ड टू बिकम ए डिस्ट्रीब्यूटर, इनका कहने का मतलब हाउ मच मनी रिक्वायर्ड टू रन अ बिजनेस एज अ डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर में देयर दो चीज़ें आ जाती हैं, एक तो आ जाता है होलसेलर, उसको भी डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं, और एक होता है CNF का काम, ठीक है, कैरियरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट, उसको भी डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं। तो फिर भी आपको अगर काम करना है तो 5 लाख का बजट आपको लेके चलना पड़ेगा। राजीव रंजन का कमेंट है, थैंक्स सर, आई एम न्यू इन मेडिसिन लाइन प्लीज़ हेल्प मी। अभी राजीव जी आपने सिर्फ इतना कमेंट किया कि प्लीज़ हेल्प मी, बट मैं आपकी क्या हेल्प करूँ, ये आपने अपना प्रॉब्लम शेयर नहीं किया, आपने क्वेरी मुझे शेयर नहीं किया, जब तक अपनी आप लोग क्वेरी मेरे साथ शेयर नहीं करोगे, बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट करते हैं सर प्लीज़ हेल्प मी, बट अगर आप अपनी क्वेरी ही नहीं बताओगे डियर तो मैं कैसे हेल्प कर पाऊँगा या मैं आपकी प्रॉब्लम कैसे जान पाऊँगा, ठीक है। तो आप अपनी क्वेरी मुझे कमेंट करिए या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर ड्रॉप करिए डायरेक्ट मैसेजिंग में, तो वहाँ पर DM करिए, मैं उसको रिप्लाई दे पाऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है कमेंट राज का, आप हवा पानी खूब देते हैं संदीप जी, कुछ वैकेंसी का बताइए, मैं भी
बताया कि हमें भी बताया कि ये शायद लिखना चाहते हैं कितने दिन यह साहब काम चलेगा महाराज। अब ये महाराज लिखने से मैं इतना जान गया कि ये जो है भोजपुरी टाइप के आदमी है, गोरखपुर आजमगढ़ इसी टाइप के करण जी आप होंगे। तो करण जी आपको लगता है कि मैं हवाबाजी कर रहा हूँ तो आपको ऐसा लगता होगा, बट इस चैनल पर मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं वैकेंसी शेयर करूँ, ठीक है। वैकेंसी सिर्फ मैंने कुछ टाइम शेयर किया था तो वो सिर्फ एक सपोर्टिंग हैंड था। आप मुझसे बोल रहे हैं वैकेंसी शेयर करने के लिए, तो मैं खुद एक कंसल्टेंसी रन नहीं कर रहा हूं या वैकेंसी वाला डियर कोई काम नहीं करता हूं जिसमें वैकेंसी शेयर करूं, मैं वैकेंसी आपको बताऊं। दिस इज योर रिस्पांसिबिलिटी टोटली टू सर्च द वैकेंसी। मैंने एक हेल्पिंग हैंड बढ़ाया हुआ था वैकेंसी फेसबुक पे अपडेट करने के लिए, बट कोविड के आने की वजह से तब से मैंने वैकेंसी अपडेट करना बंद कर दिया है, और पहले भी वैकेंसी मैं अपडेट नहीं करता था, और आगे भी अगर सब कुछ ऐसे ठीक ठाक रहा, मेरा बाकी काम सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा तो शायद मैं वैकेंसी अपडेट करूं या वैकेंसी अपडेट कभी नहीं करूंगा, ठीक है। क्योंकि वैकेंसी के लिए मैंने ये चैनल नहीं बनाया है। मैं आपको जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए जो एज ए एमआर जो लोग हैं उनकी, और जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको जो प्रॉब्लम आती है उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए मैंने चैनल ओपन किया है, और वही काम कंटिन्यूसली मैं कर रहा हूं, उसी में वैल्यू एडिशन होता जा रहा है और यही काम कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा डियर। अब यह है कि आपको वैकेंसी बहुत सारा चाहिए, आपको वैकेंसी नहीं मिल रही है, जिसको भी चाहिए आपको इतनी जल्दी है या आपको हवाबाजी लगती है, तो सबसे बेस्ट वे है, बहुत सारे कंसल्टेंसीज अवेलेबल है, आप जाओ कंसल्टेंसी से कंसल्ट करो, पेमेंट करो, या फ्री सर्विस है फ्री सर्विस लो, बात करो। दुनिया भर की कंसल्टेंसीज अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप ग्रुप में चेक कर सकते हो, ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हो, बहुत सारे वेज हैं डियर। तो वहां जाके आप कंसल्टेंसी से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है, आपको जॉब देंगे, थोड़ा बहुत फी लेंगे, या भी जो भी उनका तरीका होगा बात कर सकते हैं, सिंपल तरीका है। यहाँ पे डियर वैकेंसी के लिए ये चैनल नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर दूँ, बहुत आप एक्सपेक्ट करो मुझसे वैकेंसी के लिए, तो सॉरी मैं वैकेंसी अपडेट नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। सर माय नेम इज चिन्मय लाहा फ्रॉम वेस्ट बंगाल, रिगार्ड्स फ्रॉम बीकेम फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड। सर हाउ टू कन्विंस डॉक्टर, सर फर्स्ट टाइम मीट में डॉक्टर को कन्विंस करना चाहता हूँ प्रोडक्ट लेके, मगर डॉक्टर ब्रांड नेम और कंपोजिशन के सिवा कुछ सुनना ही नहीं चाहता। सर इस कंपोजिशन का काम तो सब एक ही होता है, इस एडवांटेज में क्या बताऊँ। देखो डियर आपकी बात मैं समझ गया, तो चिन्मय जी बात यह कि जब आप जनरल साल्ट लेके जाएंगे ना, पैरासीटामॉल है, मॉक्सिक्लेव है, एंटीबायोटिक्स है, जितने भी जनरल साल्ट है, इसमें डॉक्टर आपके बात को नहीं सुनेगा। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, आपके साथ बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। ऐसे कंडीशन में जो इस टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं डियर, इसमें जो बिजनेस जनरेट किया जाता है उसके दो ही तरीके हैं। एक तो है आप पर्सनल रिलेशन काफ़ी स्ट्रांग बनाने की कोशिश करो, बॉन्डिंग करने की कोशिश करो, ठीक है, तो आप जो है बिजनेस जनरेट कर पाओगे, एक तरीका ये है। दूसरा है हार्ड वर्क, मीन्स रेगुलर रिमाइंडर लगाओ, कैजुअल टाइम पे टॉक करो, कुछ कैंपेन रन करो, कुछ इनपुट दो, ये दूसरा तरीका है। अब ये दोनों तरीके में से आज जो रिलेशन बनाने वाला तरीका है वो सबसे बेस्ट है। अगर आप डॉक्टर से रिलेशन बना लेते हैं कैजुअल टाइम पे मीट करके, तो आप अच्छा बिजनेस जनरेट कर पाएंगे। बाकी आप परेशान होते रहेंगे, बिजनेस इतनी जल्दी नहीं आएगा। आपको बिजनेस जनरेट करने के लिए रिलेशन को डेवलप करना पड़ेगा, रिलेशन को स्ट्रांग करना पड़ेगा डियर। नेक्स्ट कमेंट है अनुराग दक्ष का, सर गुड इवनिंग, आई हैव एन वन ईयर एक्सपीरियंस इन फार्मा, आई एम वर्किंग फॉर ऑप्थल डिवीजन एंड नाउ आई एम लुकिंग फॉर मोर बेटर ऑप्शन, सो हाउ कैन आई फाइंड मोर बेटर कंपनी, प्लीज लेट मी नो। डियर आप फार्मा में हैं ऑलरेडी, फील्ड में हैं, ठीक है, आपके अपने कुछ जो फील्ड के जो फ्रेंड सर्किल है उनके साथ कांटेक्ट करिए, उनसे वैकेंसी पता करिए, और अपनी स्पेशलिटी को आप चेंज कर सकते हैं। किसी भी स्पेशलिटी के अंदर जाया जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये स्पेशलिटी छोटी है, आप थल में चले गए, आप डेंटिस्ट्री ज्वाइन कर लोगे कि बाद में चेंज नहीं कर पाओगे, ये नहीं, बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स लोग बोलते हैं, लेकिन मैं आपको ट्रू फैक्ट बताऊँ, अगर आपके पास स्किल सेट है तो ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं, ऐसा कोई बैरियर नहीं है कि आप आयुर्वेदिक से एलोपैथिक में नहीं जा पाओगे, या एलोपैथिक से आयुर्वेद में नहीं आ पाओगे, ऑप्थल से डेंटिस्ट में नहीं जा पाओगे, ऑप्थल से स्पेशलिटी डिवीजन में नहीं जा पाओगे, या फिर डेंटिस्ट्री से स्पेशलिटी डिवीजन, कोई ऐसा कोई चक्कर नहीं है। एक स्पेशलिटी से दूसरी स्पेशलिटी बहुत आराम से आप चेंज कर सकते हैं अगर आपके पास स्किल सेट है, ठीक है, आपका मार्केट में थोड़ा सा रेपुटेशन अच्छा होना चाहिए, रिलेशन अच्छा होना चाहिए, प्लस अगर आपने स्किल्स को डेवलप किया है, अपने नॉलेज को डेवलप किया है, तो आराम से चेंज कर पाओगे। और उसका मैं जो फर्जी बातें नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपना खुद का अगर एक्सपीरियंस बताऊँ तो प्रेजेंट टाइम में मैं आयुर्वेदिक कंपनी में काम कर रहा हूँ, और आयुर्वेदिक कंपनी की गायनेक डिवीजन में काम कर रहा हूँ। इसके पहले मैं डेंटिस्ट्री में काम किया था, डेंटिस्ट्री से पहले वो एलोपैथ की प्योर एलोपैथ की कंपनी थी, उससे पहले फिर मैं आयुर्वेद प्लस एलोपैथ मिक्स में था, इसके पहले मैं स्पेशलिटी डिवीजन में था, मतलब मैंने क्रॉस चेक किया,
अब क्रॉस चेंज किया है कंपनी, आयुर्वेद किया फिर एलोपैथ किया फिर आयुर्वेद में आया, तो ये सब कहने की बातें हैं, बहानेबाजी है और कुछ नहीं है। अगर आपके पास स्किल है देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट कमेंट लेता हूँ निसार मलिक का, होलसेल मेडिसिन बिजनेस और मेडिसिन शॉप के लिए विच इज़ बेटर एंड विच इज़ मोर प्रॉफिटेबल। तो निसार इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाया हूँ डियर, उसको जाके आप देख लो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। हो सकता है इस वीडियो से पहले आ जाए या इस वीडियो से बाद आ जाए कि कौन से ज़्यादा बेटर रहेगा, होलसेल या रिटेल। लकी शर्मा का कमेंट लेते हैं, सर मुझे जॉब चाहिए, आई हैव डन 3 मंथ CPM कोर्स फ्रॉम IIM कानपुर। ये कमेंट किया था लकी जी। लकी जी बहुत ही सैड, आपसे मैंने अमाउंट भी पूछा था, जब 50,000 रुपी पे करके अगर आपने CPM कोर्स किया है, जहाँ से भी डियर किया हुआ है आपने CPM कोर्स, अगर वो आपको जॉब नहीं दे पा रहा है, आप मुझसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैं आपको वैकेंसी बहुत ज़्यादा सजेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो इतना हाई फाई आपने फ़ी पे करने से पहले आपको कई बार सोचना चाहिए था, MR जैसी वैकेंसी के लिए आप 50,000 रुपी पे कर रहे हो, ये मेरे समझ के बाहर है। बिकॉज ऑफ दैट रीजन मैंने वही कोर्स 599 में 699 में अभी रन कर रहा हूँ, अभी भी उसका प्राइस थोड़ा बहुत बढ़ेगा, फिर भी 999 से फिर ऊपर नहीं जाए, 999 फिर चलता रहेगा पूरे ईयर के लिए। तो मैं वहाँ पे लर्न कराता हूँ, तो वैकेंसी के लिए मैं सोचता हूँ यार एटलीस्ट उनको कहीं पे मैं प्लेस करा दूँ। फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी ये है कि मैं अगर मेरे नॉलेज में कहीं वैकेंसी आएगा तो मैं अपने स्टूडेंट को कोशिश करूँगा उनको कहीं ना कहीं मैं लगवा दूँ, ठीक है। जबकि मेरा कोई कमिटमेंट नहीं है किसी के साथ में कि वैकेंसी के लिए मैं उनको बोल रखा हूँ कि मैं जॉब लगवाऊंगा, बट 50,000 इज़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है फ्रेंड, MR जैसी पोस्ट के लिए अगर आपने ट्रेनिंग लिया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट लेते हैं, ये बीरज विश्वास का कमेंट है, सर मैं बहुत PCD के MRP देखा है। इनका कहने का मतलब, मैंने पूरा कमेंट पढ़ा हुआ है फ्रेंड, आप देख सकते हैं, मींस PCD के साथ एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है कि जब भी हम PCD कंपनी लेते हैं तो वहाँ पे जनरली क्या होता है कि अब बहुत MRP हाई होता है। PCD कंपनीज की बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है हर एक PCD कंपनी में कि जो उनकी MRP होती है, जो टॉप कंपनी का ब्रांड रन कर रहा होगा ना मार्केट के अंदर, उससे भी वो 2 रुपये MRP ज़्यादा ही रखेंगे। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जब हम PCD लेके रन करते हैं और किसी भी अच्छे डॉक्टर से जब हम बात करने जाते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक अच्छी कंपनी का जो रिसर्च ब्रांड मॉलिक्यूल है उससे भी ज़्यादा आप PCD का ब्रांड रखेंगे। अगर PCD वाला कोई मेरा ये वीडियो देख रहा है तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, एटलीस्ट आप जो भी MRP रखते हैं वो कम से कम टॉप ब्रांड से तो 1-2 रुपए कम ही रखिए, ठीक है। ये मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी PCD कंपनी बना कर रहे हैं, PCD का बिजनेस कर रहे हैं, जो भी मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और ये MRP ज़्यादा होने का सिर्फ और सिर्फ इसका फ्रेंड एक ही रीज़न होता है जो PCD वाले सोचते हैं, जो लोग फ्रेंचाइजी लेके काम करते हैं उनका कॉन्सेप्ट ये है, फार्मा फ्रेंचाइजी आप लो, डॉक्टर के साथ सेटिंग करो, लेन देन का, पैसा का, गिव एंड टेक का सेटिंग करो, अपना गुड्स बेचो, यही थिंकिंग PCD जो लोग खोलते हैं उनका रहता है। और सेम थिंकिंग रहती है जो लोग ज़्यादातर लोग फ्रेंचाइजी लेते हैं, उनके कुछ सेटअप डॉक्टर्स हैं जिसके साथ वो जिसको लेते हैं और उसके बाद उन्हीं के साथ वो सेटिंग करके काम करती हैं, ठीक है। बिकॉज जब दैट जिनके को उसमें कट देना होता है, डॉक्टर को भी, कुछ मेडिकल स्टोर को भी, कुछ होलसेलर को भी, अपना सपने पास ही बचाना होता है, इसीलिए वो हायर रेट पे जो सेट करते हैं। लेकिन अगर कोई PCD कंपनी सही रेट पे इसको देता है, मार्जिन थोड़ा भले ही कम रहेगा बट इसको स्केल करके काफ़ी बड़े लेवल पे कोई भी बंदा लेके जा सकता है, जो एथिकली काम करता है, बिना गिव एंड टेक किए हुए भी डॉक्टर से बिजनेस के लेता है, वो चाहे तो उस बिजनेस को स्केल करके बहुत बड़ा कर सकता है। इससे PCD भी कंपनी को भी बेनिफिट मिलेगा, एज वेल जो कैंडिडेट काम कर रहा है एज ए MR मीन्स अपनी कंपनी लेके काम कर रहा है, आपकी फ्रेंचाइजी लिया हुआ है, उसको भी फ्रेंड उसको भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो जो PCD कंपनी वाले हैं वो लोग अगर वीडियो देखते हैं तो, या फिर दो कैटेगरी कर दो कि एक कम MRP वाला होगा, एक ज़्यादा MRP वाला होगा, आप पूछ लो कैंडिडेट से, जिससे एटलीस्ट सहूलत मिल पाए। ये प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो डियर बस इस वीडियो में यहीं तक, उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। जितने भी कमेंट मुझे लगे थे इंटरेक्टिव वो मैंने ले लिया, जो नए टाइप के मुझे कमेंट लगे थे वो मैंने ले लिया है। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन रह गया हो, मैंने कमेंट ना पढ़ा हो, उसके लिए सॉरी, बट आप मुझे दोबारा कमेंट करना, जो भी कमेंट बॉक्स का वीडियो बनेगा तो 100% मैं वहाँ पर रिप्लाई करूँगा। ओके, बस इसी वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर किसी ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।